हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो आज का ये वीडियो सवाल के जवाब में है। सवाल ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जब हम काम कर रहे होते हैं, तो अगर मान लीजिए हमें किसी खास वर्ड को या लेटर को नीचे या ऊपर करना है, तो हम कैसे करेंगे? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रोवाइड्स में अगर हम चाहते हैं ये जो आर ओ है ये नीचे हो जाए या कि ऊपर हो जाए, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले उस वर्ड या लेटर को आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप नीचे या ऊपर करना चाहते हैं, ठीक। उसके बाद हमको जाना ऊपर के रिबन में होम टैब में, ये रहा होम टैब, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद फॉन्ट वाले सेक्शन में इस छोटे से एरो पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, ये छोटा सा एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए फॉन्ट का ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, फॉन्ट और एडवांस। हमें क्लिक करना है एडवांस पे। एडवांस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये है पोजीशन, फिलहाल ये नॉर्मल है। अगर आपको नीचे करना है या ऊपर करना है तो इस एरो पे क्लिक करिए। नीचे के लिए लोअर्ड है, ऊपर के लिए रेज्ड है। तो मान लीजिए कि हम नीचे करना चाहते हैं तो हमने लोअर्ड पे क्लिक कर दिया। उसी तरीके से अगर आप ऊपर करना चाहते हैं तो रेज पे क्लिक कर दीजिएगा। अच्छा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि कितना नीचे करना चाहते हैं। 3 PT फिलहाल ये सेलेक्ट है, हम चाहते हैं और थोड़ा सा नीचे हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, नीचे वाले एरो पे और क्लिक किया, इसको थोड़ा बढ़ा दिया, 6 PT या 7 PT तक हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ से जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आर ओ जो था वो नीचे हो गया। इसी तरीके से आप ऊपर भी कर सकते हैं।